नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर की जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकार परिवार, ईडी की राहुल से पूछताछ पर साधा निशाना। ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, यह कहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकार परिवार, ईडी की राहुल से पूछताछ पर साधा निशाना। ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग सही नहीं, यह कहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़ी है कांग्रेस, यह कहना है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग सही नहीं है। ईडी से राहुल गांधी की पूछताछ को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीबीआई हो, सीआईडी हो और जितने भी आपका ईडी हो, उनका राजनीतिकरण, उनको राजनीतिक हथियार समझ के, जो हथियार समझ के जो ये कर रही है सरकार, उसके विरोध में और उसी के अंतर्गत सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को बुलाया। तो उसमें तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज सारे समस्त कांग्रेस के साथी राहुल गांधी जी के साथ मजबूती से खड़े हैं और मजबूती से खड़े। वहीं गुरुग्राम के जिला कार्यालय में बीजेपी की बैठक हुई। इस बैठक में राज्यसभा सांसद और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स, रिटायर्ड कर्नल राजेंद्र सुहाग के अलावा सेना के कई पूर्व अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में अग्निपथ योजना को लेकर बारीकी से बातचीत की गई और इस योजना के फायदे को लेकर चर्चा भी की गई, जिसके बाद यह फैसला किया गया कि बीजेपी संगठन के तमाम विंग प्रदेश भर के युवाओं को जागरूक करेंगे और सोशल मीडिया के मार्फत से युवाओं के सभी सवालों के जवाब देंगे। हमारे आईटी से जुड़े हुए सब साथी हैं, उन भ्रांतियों के बारे में और इसका सही तथ्य क्या है उसके बारे में बैठक हुई है। हमारे बीच में आदरणीय जनरल डीपी वत्स जी, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, वो हमारे बीच में हैं, और उनके साथ कर्नल राजेंद्र सुहाग जी, भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है, आप उसके स्टेट के कन्वीनर हैं, संयोजक हैं। तो मैं निवेदन करूंगा जनरल, अपने कर्नल राजेंद्र सिहाग से, कि आज की बैठक सबसे पहले अच्छी योजना लाए हैं उसके बारे में जो भ्रम फैला रहे हैं उसको दूर करने के लिए जो भी सवाल जवाब हुए उनको क्लैरिफाई किया है और हमारे जितने भी साथी हैं उनको बताया है कि इस योजना के क्या फायदे, उसके बारे में सारी चीजें हमने उनको विस्तार से बताया। क्या अगर मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस योजना पे 30 साल पहले काम शुरू हुआ, किसी भी सरकार ने इस योजना पे काम नहीं किया, उसको साहस नहीं हुआ कि इस योजना को लागू करे। हमारा मेन एम ये है कि हम अपनी सेना को युवा और फिट रखना चाहते हैं। वहीं गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने जाट कल्याण सभा में शिरकत की। इस दौरान लोगों ने सीएम को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया, साथ ही जाट भवन के लिए जमीन दिलाने को लेकर सीएम मनोहर लाल का आभार जताया और मिठाइयां खिलाकर खुशियां बांटी। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 10 में सीएम मनोहर लाल ने जाट भवन के लिए 2000 वर्ग गज के प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर भेंट किया और जाट समाज को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने जाट समाज से कहा कि एक भव्य भवन बनाया जाएगा जिसमें 36 बिरादरी के लोगों को ठहरने की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समाज के लिए सुविधाएं बढ़ाने में सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग देती हैं। इस मौके पर सीएम का धन्यवाद करने के लिए विभिन्न सेक्टरों से जाट समुदाय के लोग शामिल हुए।
वहीं गुरुग्राम में जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसे हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। डीसी गुरुग्राम के मुताबिक इस बार 35 टीमों में शामिल करीब 140 कर्मचारी और अधिकारी मानसूनी तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं मई और जून की बरसात के दौरान 80 ऐसी जगहों की पहचान की गई है जहां जलभराव से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। मॉनसून में जो हमारी रेन वाटर जो फ्लडिंग होती है मेनली तो नेशनल हाईवे के कैरेज वे पे होती है। इसके अलावा भी करीब 80 के करीब फ्लडिंग पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उन सब पे GMD और MCG का काम चल रहा है। जहाँ तक नेशनल हाईवे की बात है तो 2-3 पॉइंट्स जो हमारे लिए हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रहे हैं। एक तो नरसिंहपुर विलेज है जहाँ पे मेन कैरेज वे पे पानी आता है, तो वहाँ पे मैंने पर्सनली 2-3 बारी विजिट करके नेशनल हाईवे और GMDA से इंश्योर कराया है कि वो अच्छी कैपेसिटी के लगभग 250 हॉर्स पावर के टोटल कैपेसिटी के पंप्स इंस्टॉल वहां पे करा दिए गए। वहीं गुरुग्राम में पुलिस अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। अग्निपथ योजना को लेकर भारत बंद का आह्वान किए जाने के बाद दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर दिल्ली पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही है, जिसके चलते गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले NH-48 पर लंबा जाम लग गया। यहां तक कि हरियाणा से के बादली से विधायक कुलदीप वत्स के काफिले को भी पुलिस ने रोक लिया। जानकारी के मुताबिक विधायक कुलदीप वत्स जंतर मंतर पर अग्निपथ के विरोध में धरने में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान विधायक कुलदीप वत्स ने केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। वहीं दिल्ली में लगी सभी सीमाओं पर सुरक्षा के चाक चौबंद किए हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस बैरिगेट लगाकर गुरुग्राम से आने जाने वाले एक एक वाहन की गहनता से जांच कर रही है। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ के दौरे पर रहे। मूलचंद शर्मा ने इस दौरान विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। साथ ही सरकार के समर्थन में उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों के लिए कोई काम ही नहीं छोड़ा है, इसलिए अब उनकी दुकान बिल्कुल खाली है। कि विपक्षी लोगों पर कोई काम नहीं है, ये जो अग्निपथ जो योजना है ये युवाओं के नौजवान साथियों के हित में है, देश के हित में है। और जो जो एक एक पता है भाई इतनी योजना के तहत इतने पैसे मिलेंगे, 4 साल काम करेगा और हर विभाग में उनकी हिस्सेदारी तय होगी, इससे क्लियर क्या हो सकता है। इससे नौजवान साथियों को लाभ मिलेगा। और विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, विपक्ष बेरोजगार है, विपक्ष की दुकान बंद हो चुकी है और विपक्ष धरने प्रदर्शन के अलावा कोई काम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में दुनिया में जो सम्मान बढ़ा है नौजवान साथी वो चाहते हैं कि इसको। वहीं सोनीपत के कुंडली सिंधु बॉर्डर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित होकर दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान सिंधु बॉर्डर पर ही दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और एक बस में बैठाकर ले गई। इस दौरान कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। वहीं कांग्रेस के पूर्व यूथ प्रदेश अध्यक्ष सचिन कुंडू ने कहा कि ये सरकार की तानाशाही है। कार्यकर्ता दिल्ली में अपने कार्यालय जा रहे थे लेकिन उनको यहां कुंडली सिंधु बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। आप किसी भी गाड़ी को नहीं रोक रहे, सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को क्यों रोक रहे? ऐसे लोग नहीं जा रहे जो हंगामा करें। हंगामा करने जा रहे हैं आप हमसे? ऐसे कैसे बात कर सकते हो कि हम हंगामा करने जा रहे हैं? हम तो अपनी जान से बात कर रहे हैं। हंगामा करने जाएंगे आप? पहले ये बताओ हमें किस आधार में रोक रहे हो? कौन से लिखित ऑर्डर है आपके पास कि आपको ये परमिशन है कि हमारी गाड़ियों को रोका जाए? गाड़ी तो आपका कोई है नहीं, गाड़ी हमारी ये खड़ी है, हमारे लोगों को रोका जाए। वहीं फरीदाबाद में भारत बंद का असर पूरी तरीके से बेअसर नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ दिल्ली और फरीदाबाद को जोड़ने वाले बदरपुर बॉर्डर पर डटी हुई है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। हालांकि यहां पर अभी तक किसी भी तरीके का कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी हर गाड़ी की चेकिंग करके दिल्ली की तरफ रवाना किया जा रहा है।
फरीदाबाद में अभी भी धारा 144 लगी हुई है। वहीं पुलिस के 2000 जवानों की तैनाती की गई है, जिसमें 100 जवान बदरपुर बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं। बॉर्डर जो प्रेस हो मुलाजिम तैनात है, 3 एसएचओ तैनात है, एसीपी सराय तैनात है। यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है, हम गड़ी प्रॉपर गड़िया चेक कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, मतलब कोई भी आदमी नहीं आया यहाँ उसको हम रोक सके दिल्ली जाने वाला। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, एआरबी बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। हे मॉम, हे लुक, आई कैन डाउनलोड अ सॉन्ग रियली फास्ट। आई कैन मेक डोसास फास्टर। मस्ट बी जोकिंग। बस 3 इजी स्टेप्स, मिक्स विद वाटर, स्प्रेड बैटर, फ्राई। गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अरे रंगो का उमंगो का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर रेवाड़ी से है, जहां केंद्र सरकार युवाओं के लिए अग्निपथ योजना लेकर आई, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन विरोध का भी अपना एक तरीका होता है, युवाओं को योजना के बारे में समझना चाहिए था और विरोध शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए था। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां और कोचिंग सेंटर संचालक युवाओं को बेवजह तूल दे रहे हैं, जिसकी वजह से तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। वहीं हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि आज के भारत बंद का रेवाड़ी में हरियाणा में कुछ खास असर नहीं रहा, कुछ जगहों पर छुटपुट घटनाएं हुई लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। आगे उन्होंने कहा कि कानून अपने हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। राजनीतिक पार्टियों पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को उकसाने में राजनीतिक दलों और कुछ कोचिंग सेंटर संचालकों की भूमिका संदेह के दायरे में है। अग्निपथ के बारे में जो लोगों का मतलब जवान बच्चों का जो रुझान है, मैं तो यही कहूँगा कि सरकार की जो योजना है उसके बारे में पहले समझें और उसके बाद अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो विरोध करना चाहिए, और विरोध भी शांतिपूर्वक ढंग से करना चाहिए। कानून को हाथ में ना लें, किसी की प्रॉपर्टी या सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुँचाएं। वहीं हिसार के उकलाना क्षेत्र में स्थित एक निजी स्कूल में कुछ बदमाशों ने सेंध लगाकर तोड़फोड़ कर रिकॉर्ड को खुर्द बुर्द करने की कोशिश की। वहीं स्कूल के डायरेक्टर महेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके चौकीदारों को बंधक बना लिया गया और 5 से 6 लोग स्कूल के अंदर घुस आए, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरा, प्रिंसिपल रूम और डायरेक्टर रूम में तोड़फोड़ करने के बाद रिकॉर्ड को भी खुर्द बुर्द कर दिया है, जिसके बाद वारदात की सूचना थाना उकलाना में दी गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
वहीं यमुनानगर के कैफे और होटल में पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने शहर के पौश इलाके संतपुरा रोड पर होटल पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान करीब 2 दर्जन से ज्यादा युवक और युवतियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए। पुलिस ने सबको हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी और होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हाँ, इस होटल पे रेड की गई थी, टीम्स नाम के कैफे के नाम से ये चलता है। इनके पास कोई भी पुख्ता दस्तावेज नहीं था, इस तरीके से इन्होंने लड़के और लड़कियों को रखा हुआ था और एक जगह शराब पिलाई जा रही थी, जिसके लिए इनके पास कोई पर्याप्त लाइसेंस नहीं था। और जो ये अनैतिक कार्य जो हो रहा था उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की थी। वही खबर अंबाला से है, जहां पिछले दिनों नेपाल की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के परिवार वालों ने उसकी गुमशुदा होने की एफआईआर नेपाल में दर्ज करवाई थी। वहीं इसकी सूचना वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को मिली, जिसके बाद उन्होंने बच्ची की लोकेशन को ट्रेस किया तो बच्ची जलबेड़ा गांव में पाई गई। डिपार्टमेंट ने बच्ची को अपनी हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं चाइल्ड हेल्पलाइन चेयरपर्सन ने बताया कि बच्ची नाबालिग है और वो जिस लड़के के साथ आई थी वो लड़का उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। साथ ही चेयरपर्सन ने यह भी बताया कि आरोपी नेपाल का ही रहने वाला है, जिसका नाम दिनेश मंडल है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। उस लड़की ने कुछ दिन पहले अपने घर में फोन किया था, जिस नंबर से कॉल किया गया था वो जो है वो सर्विलेंस पे डलवा दिया गया था। इस लड़की के एफआईआर जो है गुम होने की वो नेपाल में दर्ज है, उसी बेसिस के ऊपर इस नंबर को सर्विलेंस पे डाला गया, जिसकी लोकेशन हमें जलबेड़ा हमें मिली। तो राजू नेपाली ने जब मुझसे अम्बाला में संपर्क किया तो उसके बाद विद इन 10 मिनट्स मैंने अपनी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट चाइल्ड लाइन टीम की टीम को गठित करके उनको सदर थाना की सहायता से इस जगह पर जो है रेड करने की। वहीं फतेहाबाद के गांव ढिंगसरा में पीने के पानी की समस्या बढ़ गई है, जिसको लेकर गांववासियों ने बताया कि पेयजल संकट से बीमारी का प्रकोप भी बढ़ रहा है। वहीं जितेंद्र ढूड़ी ने कहा कि दफ्तरों में बैठे अधिकारी इस पानी को पीकर दिखाएं, वो खुद आरओ का फिल्टर पानी पीते हैं और हम गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इसको लेकर कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद ग्रामीणों ने सीएमओ के नाम पत्र लिखकर ज्ञापन सौंपा। इतना ही नहीं, गांव वालों ने कहा कि गंदे पानी की वजह से हर घर में एक व्यक्ति बीमारी का शिकार हो चुका है। वहीं इस मौके पर हरदयाल एक्स सर्विसमैन देशराज सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जिया मान लो सिर्फ डाल दी है कोई, है सिर्फ डाल रखी हो, जिया जाग पकड़ने लग गई है ना बदबू। वायरल वीडियो की पड़ताल करने हर खबर टीवी चैनल की टीम पहुंची है। फतेहाबाद जिले के भट्टू क्षेत्र के गांव ढींसरा में इस समय मौजूद है। एक वायरल वीडियो लगातार काफी दिनों से हो रही है, जिसके अंदर गंदा पानी घरों के अंदर डलता हुआ दिखाई दे रहा है, इकट्ठा हो चुके हैं और कहीं ना कहीं समस्या जो एक बहुत बड़ी समस्या है, पीने का जो पानी है वो बहुत ही गंदा आ रहा है। बाकी गांववासी बताएंगे कि कितनी बड़ी समस्या है और कब से ये और बदबू यहाँ पर इतनी आ रही थी कि इसको पीना बहुत ही मुश्किल होगा। गांववासियों से जानेंगे, इतने दिनों से ये समस्या चल रही है। समस्या 3-4 महीनों से चल रही है जी, और सभी अधिकारियों को अवगत करा दिया है, उनको बोल दिया कि हम पानी ये नहीं पी सकते और 72 घंटे में पानी आता सप्लाई है। ढिंगसरा गांव एक ऐसा है पूरा हरियाणा में जहां 72 घंटे में पानी आ रहा है, और वो भी ये पानी आ रहा है जो पशु नहीं पी सकते, जानवर नहीं पी सकते, और हम मजबूर इस बात को सभी अधिकारियों को बोल बोल के थक गए हैं, जा के थक गए हैं कि आप हमारे गांव की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते। करेंगे जी कर देंगे जी, ये पानी आश्वासन दिया जा रहा है, झूठा बिल्कुल कोई मतलब नहीं उसका, उस बात का। कुछ चर्चा आ रही थी कि बीमार भी ज्यादा, हमारे गांव में बीमारियां सबसे ज्यादा हरियाणा में, आप सर्वे करके देख लो हर घर में बीमार है। इसकी वजह एक और भी है कि पीछे से जो वाटर सप्लाई आ रही है वो गंदी नाली, वो भी कह रहे थे कि हम नहीं लगा देंगे, हमारा ये ग्रांट पास हो गया है, लेकिन कुछ नहीं कर रहे वो। और आगे आप जाके देखो वाटर के अंदर, वहां कुत्ते नहा रहे हैं, बंदर नहा रहे हैं, वो वहां से गंदा पानी होते हुए अब देखो ये पानी इतना दूषित हो गया, ये कूलर में डालने के योग्य नहीं है। अगर कूलर में डालिए तो बच्चा बीमार हो जाएगा, इसको कोई अधिकारी पी के दिखा दे मुझे यहाँ के,
कोई एक अधिकारी वो ये इतना बढ़िया बढ़िया पानी पीते हैं उसके अंदर फिल्टर लगा के हम इंसान नहीं है क्या? आदि मानव से बेहतर जिंदगी हमारी, आदि मानव से बेहतर जिंदगी। ढींसरा गांव की वाटर सप्लाई में मौजूद है और मेरे पीछे देख रहे हैं कि भारी संख्या में ग्रामीण ढींसरा के जो है वो पानी की समस्या को लेकर के डिग्गी का ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे कितनी गंदगी फैल चुकी है। तो कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं जरा कितनी गंदगी फैल चुकी है यहाँ इसमें, और सफाई कब हुई होगी इसका गांववासी बताएंगे। जबकि घर के अंदर की अगर बात करें तो पीने के पानी के लिए हम कितना अच्छा बर्तन रखते हैं, कहीं व्यवस्थाएं की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है कब इसकी सफाई हुई है जी? इसकी सफाई मेरे ख्याल में ये बनने बाद में कभी हुई नहीं। आपकी जो निगरानी, हमने निगरानी देखे नहीं कभी। अभी पैसे आए थे पीछे बोले 53 लाख रुपए यहाँ कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, यहाँ तो एक पैसा नहीं लगे। 53 लाख रुपए इसके लिए आए, 1 रुपए आए थे वाटर के लिए और 1 रुपए नहीं लगे यहाँ पर। तो कितनी बड़ी बात ये निकल के आ रही है, गांववासी कह रहे हैं कि 53 लाख रुपए कोई बजट आया था जिसको लेकर के जहां एक ये वाटर सप्लाई की अगर बात करूं तो काफी सालों पुरानी ये वाटर सप्लाई है, किसी टाइम इस वाटर सप्लाई के अंदर लाइटें जगा करती थी, उसकी जगह आज खाली खोडर नजर आ रहे हैं, लाइटें यहाँ की चलो गायब हुई सो हुई लेकिन है गाँव वाले। वहीं तो शाम के मीरान गांव की होनहार बेटी रवीना सिहाग के भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हुई है जिसको लेकर तोशाम में खुशी का माहौल है। दरअसल सोमवार को रवीना सिहाग तोशाम पहुंची जहां पर अनाज मंडी में सभी समाज के लोगों ने रवीना सिहाग का भव्य स्वागत किया और उनके सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित और भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान असन सिंह सांगवान, पघाल खाप के प्रधान चिरंजी लाल विशेष तौर पर उपस्थित थे। वहीं रवीना सिहाग ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को दिया। इस अवसर पर रवीना के पिता राजेश सिहाग ने सर्व समाज को बेटी को सम्मानित करने के लिए धन्यवाद दिया। बीच में दो अपने निवेदन करूंगा, बेटिया रवीना डॉटो राजेश सिहाग मीरान से जो एक मिनट तो कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की? मैंने मेरी स्कूली शिक्षा श्री कृष्ण प्रणामी पब्लिक स्कूल सिलानी मंडी से की, 12वीं तक मैंने वहाँ पढ़ाई की, उसके बाद मैंने बीएससी के लिए कारी कॉलेज में एडमिशन लिया और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी में और इसके उपरांत मेरा एफ उस में चयन हुआ। तो शाम की बेटी रवीना सिहाग ने वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति पाई है जिसके लेकर तो शाम में खुशी का माहौल है। तो शाम में सर्व समाज के लोगों ने रवीना सिहाग का सम्मान किया जिसमें सभी बिरादरियों के लोग शामिल हुए और इस दौरान सभी ने रवीना सिहाग के फ्लाइंग ऑफिसर बनने पर खुशी जताई और गर्व की अनुभूति की। वहीं रवीना सिहाग के पिता ने सर्व समाज के लोगों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनकी बेटी का सम्मान किया और रवीना सिहाग के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं रुड़की के सिविल लाइन स्थित ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम का पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उद्घाटन किया। इनके साथ इस मौके पर रुड़की के बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा और कई दूसरे बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस ब्रांड का शोरूम रुड़की में खुला है उसके यहाँ के लोगों को काफी फायदा मिलेगा क्योंकि अच्छे ब्रांड की वैल्यू अलग ही होती है। वहीं शोरूम के मालिक ने भी बताया कि वो अपने शोरूम के जरिए एक के साथ दो चीजें फ्री देने की स्कीम दे रहे हैं। नोएडा इनका जो बड़ा फर्म और जो कंपनी है और जो कि वहाँ से बता दे पूरा अन्य जगहों पे भी देश के अंदर तो ये एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भी करते हैं, तो उसी का एक शोरूम यहाँ पे खुला है रुड़की में। मुझे लगता है इससे यहाँ के लोग काफ़ी लाभ होगा। ब्रांड तो बहुत पुराना है, लगभग 20 साल पुराना ब्रांड है, बीच में ब्रांड कम हो गया था, हमने इस ब्रांड को टेक ओवर लिया है अराउंड 1.5 साल पहले और पूरा नया ही समझो नए अवतार में हमने इसको लॉन्च किया है। 1.5 साल में लगभग 40 शोरूम हो गए हैं हमारे हरियाणा राजस्थान दिल्ली एनसीआर में, उत्तरांचल में पहला शोरूम है।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।